وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ولن سلام खुदावंद मुताल अपनी दरें बोलते हैं मेरा कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है हम लम यअरिफु रसूलहु हमने कोई भी तवज्जो रखनी है अगर आप लोग कोई तवज्जो हो और अगर आप लोगों के जहन में कुछ हो तो जो मैं अभी मौजूद को शुरू करने लगी हूँ आपकी खिदमत में अर्ज करने लगी हूँ ये पहले भी आप लोगों ने सुना हुआ है आपको याद है या नहीं अब खुदा ने जवाब भी खुद ही दे दिया बल
नहीं नहीं मेरा रसूल दीवाना नहीं है, बल्कि जा अहु बिल हक की, मेरा रसूल तो तुम्हारे पास हक लेकर आया है। और खुदावंद मुताल फरमा रहा है, वलौ इत्तबअ अल हक अहवाअहु लफसदत السماوات والارض ومن فيهن, कि मेरा रसूल वो जो तुम्हारे पास हक लेकर आया है, वो हक अगर ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी करता तो ये जमीन और आसमान जे अर्ज़ो समा जे मौजूदात कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो मोमिनाज ये जब तक ये जमीन और आसमान ये मौजूदात बाकी है, ये इस बात की दलील है कि हक ने कभी भी बातिल की पैरवी नहीं की। ये इस बात की दलील है कि हक ने कभी भी बातिल की पैरवी नहीं की और ना ही करेगा। इसीलिए तो मोमिनात मेरे मौला हुसैन ने फरमाया कि मुझ जैसा तुझ जैसे की कभी भी बैत नहीं करेगा। मेरे मौला ने ये नहीं फरमाया कि मैं तेरी बैत नहीं करता, बल्कि मेरे मौला फरमाते हैं मुझ जैसा तुझ जैसे की कभी भी बैत नहीं करेगा। तो मोमिनात जब तक ये मौजूदात या जो समा ये सब कुछ बाकी है, तो इस बात से साबित होता है कि हक बाकी है। अब मोमिनात खुदावंद मुताल फिर के इरशाद फरमाता है इसी आयत में आगे जाके, खुदावंद मुताल फरमा रहा है बल अतैनाहुम बिज़िक्रिहिम, मेरा रसूल दीवाना नहीं है, बल अतैनाहुम बिज़िक्रिहिम, बल्कि वो तो मुजस्मा ज़िक्र है। खुदा कह रहे हैं जो मैंने तुम्हें रसूल अता किया है वो मुजस्मा ज़िक्र है। तो मोमिनात कुरान से हमें समझ में आता है कि वो खुद ज़ाकिर है और मुस्तफ़ा ज़िक्र है। वो तो हीद खुद जाकिर है और मुस्तफा जिक्र है। अब मोमिनात फिर खुदावंद मुताल क्या फरमा रहे रहा है, वल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब आयातुम मिन आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखरा मुतशाबिहात, खुदावंद मुताल फरमाता है हबीब जो मैंने तुझे किताब दी है, जो मैंने तुम पर किताब नाजिल की है, इसमें कुछ मुहकमात हैं और कुछ मुतशाबिहात हैं। अब मोमिनात माशाल्लाह आप लोग समझते हैं मुहकम होता है जो हर बंदा खुद से समझ लेता है, लेकिन मुतशाबे वो होता है जो समझने के लिए मुअल्लिम की जरूरत होती है, उस्ताद की जरूरत होती है, उस्ताद के बगैर समझ में नहीं आता। तो मोमिनात अब मुअल्लिम कौन है, उस्ताद कौन है, किन से पूछे मुतशाबिहात का, किस से इल्म ले। तो मोमिनात इसके लिए भी मुश्किल नहीं है, खुदावंद मुताल फिर इसी कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, कि जो तुम नहीं जानते वो वर्रासिखून फिल इल्म से पूछते। फिर खुदावंद मुताल इरशाद फरमाता है वमा यअलमु, खुदावंद मुताल इरशाद फरमाता है फसअलु अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, जो तुम नहीं जानते वो अहले जिक्र से पूछ लो। अब मोमिनात अहले जिक्र कौन है और वर्रासिखून फिल इल्म कौन है। अब मोमिनात जिन अहले जिक्र के दर पे हम रुके हैं, जिन वर्रासिखून फिल इल्म के दर पे हम झुके हैं, वो हमने खुद नहीं बनाए, वो हमारे चुने हुए नहीं है, बल्कि उस जुबान से उनका नाम निकला है जिसको हम नहीं कुरान कह रहा है वमा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा शद्दकुम अनि हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, ये उस जुबान से लफ्ज निकले हैं कि जिसको हम नहीं कुरान कह रहा है कि मेरा नबी न कभी भटका है न भटकेगा, न कभी भूला है न भूलेगा, बल्कि मेरा नबी करता वो है जो मैं खुदा उसे वही करता हूँ। मेरा नबी करता वो है जो मैं उसे वही करता हूँ। अब मोमिनात हम उनके दर पे रुके हैं जो हमें आमिना के लाल ने नाम बताए, हम उस दर पे झुके हैं जिसका हमें आमिना के लाल ने बताया है कि ये अहले ज़िक्र हैं, ये वर्रासिखून फिल इल्म है। अब मोमिनात यहाँ पे जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के दरबार में जब यही बात हो रही थी, वर्रासिखून फिल इल्म अहले ज़िक्र की बात हो रही थी, तो किसी पूछने वाले ने पूछा या रसूलुल्लाह वो कौन है, तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जो वक्त का इमाम होता है वो वर्रासिखून फिल इल्म, वो अहले ज़िक्र है। अब मोमिनात नबी के सामने नबी वर्रासिखून फिल इल्म थे, लेकिन खुदा ने क्या कहा,
कि मेरा मुशाफियात का इल्म या मेरे पास है या मेरी उन हस्तियों के पास है जो इल्म मेरा है। खुदा ने किसी एक हस्ती का नहीं बताया, खुदा ने हस्तियों का बताया है। अब मोमिनात अगर वाहिद कसी का होता तो हम मोहम्मद मुस्तफा से मुराद अकेले आमिना के लाल को मानते, लेकिन खुदा ने क्या कहा, हस्तियों के पास आए। अब यहाँ पे फकत मोहम्मद मुस्तफा नहीं बल्कि मैंने आज किया वो जुमाने वही है, तर्जुमान ने खुद ऐलान कर दिया कि मेरे बाद अहले जिक्र कौन है, मेरे बाद रासिखूना फिल इल्म कौन है, मेरे बाद तुझे किससे दीन लेना है, मेरे बाद तुम्हारा मुअल्लिम कौन है, मेरे बाद तुम्हारा वारिस कौन है। लेकिन मोमिनात आदि से मुस्तफा अर्ज करने से पहले मैं इसी कुरान से आपकी खिदमत में अर्ज करती हूँ, मोमिनात बातें नहीं करने के बच्चों मित्र होते हैं, इसी कुरान से अर्ज करती हूँ क्योंकि हम हर वो काम करते हैं जो खुदा ने हमें हुक्म दिया है और मुस्तफा ने हमें करके दिखाया है और हम हर उस काम से रुकते हैं जिससे हमें आमिना के लाल ने रोका है। अब मोमिनात मुस्तफा की आदि इस बात में अर्ज करूंगी, खुद खुदावंद मुताल ही बर्रा से पूना फिल इल्म के बारे में कुरान में क्या कहता है कि अगर कभी खुदावंद मुताल ने रिसालत पर या यूं अर्ज कर दो फर्शे मोहम्मद पर सोते देख लिया, फर्शे मोहम्मद पर सोते देख लिया तो उस खुदा ने इरशाद फरमा दिया वो मैं यशनी नफ्सो निगामा रजातिल्ला। अगर कभी उस खुदा ने अहले जिक्र को जंग के मैदान में देख लिया तो उसने इरशाद फरमा दिया कि अन्नहु बुनियानु मरसूसा। और अगर कभी उस खुदा ने अहले जिक्र को मसनद इमामत पर देख लिया तो इरशाद फरमाया वा कुल्ल शैइन अहसैनहु फी इमाम मुबीन। और अगर कभी उस खुदा ने अहले जिक्र को फिल इल्म को इल्म की मसनद पर देख लिया तो उसने इरशाद फरमा दिया वो मन इंदहु इल्मुल किताब। और मोमिनात हद हो गई, अगर कभी उस खुदा ने अहले जिक्र को रकू की हालत में खैरात देके देते देख लिया तो उसने कुरान में ऐलान कर दिया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। और अगर कभी अहले जिक्र के घर से सदके की रोटियां निकलती हुई देख ली तो उस खुदा ने इरशाद फरमा दिया वयुतीमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना वयतीमा व असीरा। मोमिनात मैंने आपकी खिदमत में आपसे किया अहले जिक्र कौन है और अहले इल्म कौन है, बर्रासखूना फिल इल्म कौन है हम नहीं कहते बल्कि मोहम्मद मुस्तफा ने खुदावंद मुताल ने कुरान में नाजिल कर दिया और मोहम्मद मुस्तफा ने आगे नाम भी बता दिया कि अहले इल्म अहले जिक्र बर्रासखूना फिल इल्म कौन है। अब मोमिनात एक बार क्या आपकी खिदमत में आपसे करना है और उसके बाद मसाइब मोमिना जब हम चलते हैं जंगे खंदक नहीं, हमने सुना हुआ क्योंकि मोमिन कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे मौला की जंगों से या मेरे मौला के वाकियात से ना वाकिफ हो। तो मोमिना जब हम चलते हैं जंगे खंदक में हमें वहाँ पे भी नजर आता है हम देखते हैं कि वर्रासखूना फिल इल्म कौन है और अहले जिक्र कौन है जिनके बारे में खुदा ने हमें कुरान में कहा है कि मेरे मुशाफियात का इल्म जो है या मेरे पास है या मेरी उन हस्तियों के पास है जो इल्म में रसद है। तो मोमिना जब हम चलते हैं जंगे खंदक में तो वहाँ पे आमिना कलाल जंगे खंदक वाले दिन जब आमिना कलाल जहरा के बाबा तशरीफ फरमा थे और सहाबियों का बचपन मोमिना जैसे ही सहाबियों का बचपन लगा हुआ था बाहर वाले थोड़ी सी तवज्जो रखनी है सहाबियों का बचपन लगा हुआ था। अब मोमिना शायद आप समझ नहीं रहे मैंने अर्ज किया सहाबियों का बचपन लगा हुआ था आम लोगों का नहीं सहाबियों का बचपन लगा हुआ था उनको कहते थे गुलाम रसूल। अब मोमिनात हुआ क्या जिनसे जंगे खंदक में जंग हो रही थी वो कुफार थे वो मुशरिक थे। मुख्तसर करके चलो क्या मुशरिक कुफार का पहलवान मैदान में आ गया उसने आके ललकारा कि कोई है जो मेरे मुकाबले में आ जाए कोई है जो मेरे मुकाबले में आ जाए। तो मोमिनात आमिना के लाल ने अपने सहाबा से पूछा मन लिहाजल कल ये तुम में कोई है जो इसका मुंह बंद करे
तुम भी कोई है जो उसको जवाब दे, तुम भी कोई है जो उसके गले में। तो मोमिनात कोई भी सहाबा का मजमा था, होना तो ये चाहिए था कि सारे के सारे खड़े हो जाते, लेकिन मोमिनात तारीख गवाह है, खड़े होने की बजाय मुसलमानों ने अपनी गर्दनें झुका ली। अब पहली दफा जब आमना के लाल ने पूछा कौन है मन हाजिर कर, कोई नहीं उठा, किसी ने जवाब नहीं दिया। मजमे के आखिर से वर्रा से खून अफेल है, मजमे के आखिर से वर्रा से खून अफेल है खड़े हो गए, लेकिन मोमिनात आमिना के लाल ने बिछा दिया। दूसरी दफा फिर हसनैन के नाना ने पूछा कोई है जो इसके मुकाबले में चला जाए। अब मोमिना यहाँ पे तारीख कहती है वो जो आगे बैठे थे उन्होंने उसके मुकाबले में जाने की बजाय उन्हीं में से एक बंदा खड़ा हुआ और खड़े होके कहता है कि मैं इसको जो मुकाबले में अम्र अपने बाद आया था, कहता है मैं इसको जानता हूँ, ये बहुत बड़ा बहादुर है और नाश्ते में अकेला एक ऊंट खा जाता है। अब खुद भी डर गया और बाकी मुसलमानों को भी डराने लगा। अब मोमिना जी रसूलुल्लाह के सामने हो रहा है, जाने की बजाय क्या किया के मुशरिकों के काफिरों का जो बहादुर था उसका अपने मजमे में खड़े होके तारुफ करवा दिया। अब फिर जब तीसरी दफा ज़ारा के बाबा ने पूछा कोई है जो इसके मुकाबले में जाए, तो मोमिना फिर अहले ज़िक्र में से बर्रा से खूना फिर इल्म खड़े हुए। अब जब तीसरी बार खड़े हुए तो ज़ारा के बाबा ने अली इब्ने अबी तालिब को अपने पास बुला लिया। ज़ारा के बाबा ने हसनैन के बाबा को अपने पास बुला लिया। अब मोमिना जहाँ पे कहा जाए भाई जब आना ही अबू तालिब के बेटे को था, जब लड़ना ही उससे अबू तालिब के बेटे को था, तो फिर आमिना के लाल ने पहली दफा ही क्यों नहीं बुलाया। तो मोमिना जहाँ पे जवाब मिलता है भाई अगर पहली दफा आमिना का लाल अबू तालिब के बेटे को बुला लेते तो भाई वो जो मुशरिक के पहलवान का तारुफ करवा रहे थे वो कहते कि हमारे मुर्शिदों को तो मौका ही नहीं मिला, अगर मौका मिलता तो बेचारे जा के मजमे के सामने तशरीफ ले आए और अल्लाह के वली को साथ लेके आए। अब काहिरा के आमिना के लाल ने क्या काम क्या किया, अपनी दस्तार अली को पहनाई, अली की दस्तार खुद पहनी, हाथ जोड़ के अर्ज किया या रसूलुल्लाह ना लैन खैमे के अंदर बदली है, ना लैन अंदर बदली है, अबा अंदर बदली है, कबा अंदर बदली है, ये दस्तार मजमे के सामने क्यों बदली। तो मोमिनात अजब नहीं है, ज़हरा के बाबा इरशाद फरमाए अबा अंदर बदली थी, कबा अंदर बदली थी, ना लैन अंदर बदली थी, क्योंकि नबी जानते थे मेरे बाद झगड़ा मेरी ना लैन पे नहीं होगा, मेरी अबा पे नहीं होगा, मेरी कबा पे नहीं होगा, अगर झगड़ा होगा तो मेरी दस्तार पे होगा। और आमिना के लाल ने फतवा दे दिया मेरे मजमे के सामने आज इसलिए पहना के जा रहा हूँ, कल को ये ना कहना वर्रा से खून फिल इल्म को रहे, अरे मेरे बाद अली इब्ने अबी तालिब पहले से कहे, मेरे बाद अली इब्ने अबी तालिब वर्रा से खून फिल इल्म रहे, कल को ये ना कहना नबी की दस्तार का वारिस को रहे, अरे जिस इसका मैं मौला हूँ उसका ही अली मौला हूँ। बड़े गरूर से मैदान में जा रहे हैं, बड़े गरूर से, बड़े गरूर से, बड़े गरूर से।
आचार्य से मुल्ला ग्रहण करना बड़ी गलत बात है, तसव्वुर करना बहुत बुरी बात है। और अबू तालिब का बेटा बड़े करुण से मैदान में जा रहे हैं। मोमिनात बंदा परेशान हुआ, कहता है या रसूलुल्लाह, बड़े करुण से अली अपने अबी तालिब मैदान में जा रहे हैं। तो अल्लाह का नबी इरशाद फरमाते हैं, अली तो मैदान में नहीं जा रहे, अली तो मैदान में नहीं जा रहे। परेशान होकर कहता है, या रसूलुल्लाह, अली ही तो है जो मैदान में जा रहे हैं। तो आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं, अरे अली नहीं जा रहे। बंदा परेशान होता गया, मुस्तफा ने अपने कलिमात पढ़ा दिए। आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं, अरे अली नहीं जा रहे, ये तो कुल्ले ईमान जा रहा है, ये तो कुल्ले इस्लाम जा रहा है, ये तो कुल्ले दीन जा रहा है। अरे हम पे फतवे क्यों लगाते हो? फतवा लगाना है तो आमिना के लाल पे लगा दो। जिसने जंगे खंदक वाले दिन ये फतवा दे दिया और सहाबा के मजमे में फतवा दे दिया। अरे कुल्ले ईमान अली है, कुल्ले इस्लाम अली है, कुल्ले दीन अली है। तो मोमिनात बात समझ में आ गई। पूरे इस्लाम में, पूरे इस्लाम में अमल करने के बाद अगर बंदा एक अली को मान ले तो मोमिन भी है, मुसलमान भी है, ईमानदार भी है। और पूरे इस्लाम पे अमल करने के बाद एक अबू तालिब के बेटे का इनकार कर दे, हम नहीं कहते नबियों के सरदार नबी फरमा रहे हैं। अरे वो काफिर भी है, मुशरिक भी है, मुनाफिक भी है। आवाज निकलती है, लेकिन मछली जो होती है उसकी आवाज
नहीं होती। माशाल्लाह पढ़ी लिखी बहने तशरीफ फरमाए, मछली की आवाज क्यों नहीं होती? क्योंकि मछली के फेफड़े नहीं होते, तो जब फेफड़े नहीं है तो आवाज नहीं होती। अब मोमिनात, मेरे मौला ने काम किया, क्या नेजा जब फेंक दिया, अब आपने अपने मन ने क्या देखा कि दरियाए दजला है, दरियाए दजला के अंदर एक मगरमच्छ है जो मछली पे हमला कर रहा था, और वही नेजा जाके मगरमच्छ के लगा, मछली मगरमच्छ के हमले से बच गई। अब यहाँ पे एक जुमला मोमिनात देने लगी हूँ, अगर समझ गया तो आप लोगों का अपना शोर है, अगर ना समझे तो मैं इससे ज्यादा समझा नहीं सकती। अब जैसे ही हमने मन ने देखा कि वो नेजा जाके मगरमच्छ के लगा, मछली उसके हमले से बच गई, तो मैं कहती हूँ, अरे जाहिलो, हमें क्यों कहते हो कि अली को मदद के लिए बुलाते हो? अबू तालिब का बेटा कैसे मदद को आता है? अरे जाहिलो, यही से समझ जाओ, जो बे आवाज मछली की आवाज को कितनी दूर से सुन सकता है, अरे हम तो उसके तार पे पड़े हैं, हमसे जाहिली मदद क्यों नहीं सुनेगा? बस जहाँ पे हम मौला के मसाइब सुनते हैं, जहाँ पे हम मौला के मसाइब सुन के, मौला के फजाइल सुन के खुश होते हैं और कोशिश करते हैं कि मौला के मवाली बने, वहाँ पे मोमिनात हमारी मजलिस डोलती है, हमारी मजालिस डोलती है, हमेशा नहीं सुनती है। एक फजाइल का होता है, एक मसाइब का होता है, और खसूसन ये अय्याम अज़ा जो है, ये मौला को मुर्सल, ये नबी की बेटी को मुर्सल देने के, और मोमिनात में पहले भी अर्ज करती रहती हूँ, कोशिश किया करें नबी की जख्मी पहनने वाली बेटी को पुरुष ऐसे दिया करें कि पता नहीं है शायद हमारी जिंदगी का ये आखिरी पुरुष है। नबी की जख्मी पहनने वाली बेटी मोमिनात तारीख में मिलता है, आदिस में मिलता है, हमारे आने से पहले नबी की बेटी इस फर्श अज़ा पे आ जाती है। हमारे आने से पहले जब हम फर्श अज़ा बिछा लेते हैं, कोई मोमिन आया हो, जन्नत में आया हो, हसनैन की माँ हुसैन का पुरुष इस फर्श अज़ा पे आ जाती है। तो मोमिनात नबी को पुरुष ऐसे लिया करें कि यहाँ से जब हम उठें तो हुसैन की माँ हमें खाली दामन वापस न लौटेंगे। मोमिनात जी हमारे लिए वसीला निजात है इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में। मोमिनात, इस दुनिया में अगर हम इस फर्श अज़ा पे इल्म मारिफत मांगते हैं तो इल्म मारिफत मिलता है, अगर हम रोज़ा मांगते हैं तो हमें रोज़ा मिलता है। तो मोमिनात कोशिश किया करें हुसैन की माँ जब हम यहाँ से उठें तो हमारा यहाँ पर बैठना जो है वो अपने बारगाह में कबूल करें। तो मोमिनात आज फुर्सत देना है हुसैन की बहन शरीकत हुसैन, मोमिनात हम कहते हैं शरीकत हुसैन, ये हुसैनियत को बचाने वाली मोमिनात करबला तक हुसैन ने दिन को बचा दिया, या ऐसे करबला में 10 मुहर्रम के असर तक हुसैन ने तौहीद को बचा दिया, हुसैन ने ला इलाहा इल्लल्लाह को बचा दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को बचा दिया। लेकिन मोमिनात अली की बेटी करबला द्वारा ये हुसैनियत बचाई है शरीकत हुसैन ने, आज उस बीवी को पुरसा देना है कि जिसको मोमिनात हम नहीं करबला में हुसैन कहते रहे, और न मोहम्मद तुम्हारे बाद मेरी बहन को माँ बोलने वाला कोई नहीं, और न मोहम्मद अगर तुझे मेरे जान की इजाज़त दे दी तो मेरी आलिया को माँ बोलने वाला कोई बेटा नहीं होगा। मोमिनात करबला के मैदान में जब अली की बेटी जंगलों में आ गई है ना अपने भाइयों के आश्रय पर, खसूसन अब्बास जरिए के आश्रय पर मैदान में आ गई है, करबला के जंगल में आ गई है। मोमिनात तारीख कहते हैं कि जब बीबी मदीने से चली थी अपने वारिस से इजाज़त लेके चली थी, लेकिन मोमिनात तारीख कहते हैं जनाब अब्दुल्लाह के घर से अली की बेटी ने फकत एक चादर उठाई थी। जनाब अब्दुल्लाह कहते रहे अली की बेटी पूरे अरब में हमारी जली रही, जो कुछ ले जाना चाहो ले जाओ, शायद तुम्हारा हुसैन बच जाए। लेकिन मोमिनात तारीख कहती है अली की बेटी ने फकत एक चादर उठाई और हुसैन के साथ मदीने छोड़ के चल पड़ी। अब मोमिनात जैसे मदीने से बाहर कुछ मंजरों पे मेरे मौला हुसैन आए ना, तो पीछे से जनाब अब्दुल्ला हाजिर हुए, आके मेरे मौला हुसैन से पूछते हैं, आका मुझे ज़ैनब से मिलने की इजाज़त चाहिए। ज़हरा का नाम फरमाते हैं, अब्दुल्ला आप ज़ैनब के वारिस हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मोमिनात मुख्तसर करो, जनाब अब्दुल्ला जनाब आलिया के पास आए
आगे कहते हैं गली की बेटी मैं कोई चीज तुझे देने आ रहा हूँ, करबला में तेरे काम आएगी। अली की बेटी तड़प के कहती है अल्लाह क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी कीमती चीज आ गई है जो मेरे हुसैन को बचा सके, जो करबला में मेरे काम आ सके। जनाब अब्दुल्ला फरमाते हैं अली की बेटी कोई कीमती चीज तो नहीं है, मैं और Yeah.
पूछती है हुसैन आप कहाँ जा रहे हैं, मेरे मौला फरमाते हैं आलिया मैंने कहा मेरे ओनो शायद आपने सुना नहीं। मोमिन आजादी कहती फरमाती है भैया हुसैन मैंने सुना है मेरे ओनो मोहम्मद मारे गए, कहा भैया हुसैन मारे गए तो मैंने आपकी खाते में दान में भेजे थे। मोमिन आजादी की पूछती है भैया मेरे ओनो मोहम्मद ने कहाँ फजील छोड़ी, मेरे मौला हुसैन फरमाते हैं आलिया करबला से बाहर जागी है मेरी अकबर से बाहर जागी है मेरी अकबर से दूर की है ओनो मोहम्मद। अब मोमिन मेरे मौला चले हैं ओनो मोहम्मद की लाशें उठाने, अली की बेटी कहती है हुसैन कहाँ जा रहे हो, मेरे मौला फरमाते हैं आलिया मैं अपने ओनो मोहम्मद की लाशें उठाने। मोमिन अली की बेटी ने अजीब जुमला कहा हुसैन का बाजू पकड़ के कहती है भैया मैंने ओनो اللهم صل على محمد وآل محمد ما تبي حسين.